हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से लौकी कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लौकी कोफ्ता तो हर किसी को बहुत पसंद आता है, लेकिन यदि इस तरीके का लौकी कोफ्ता खाने को मिल जाए तो आप एक की बजाय चार चार रोटियाँ खाएंगे, इतना ज़्यादा यह टेस्टी होता है लौकी कोफ्ता। इसके कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसकी ग्रेवी बिल्कुल लाजवाब होती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड, इसकी पूरी रेसिपी आज हमने किस तरीके से बनाया है यह टेस्टी लौकी कोफ्ता। एक मीडियम साइज़ की लौकी ली है, तो इसका हम डंठल हटा देते हैं काटकर, नीचे वाला भी थोड़ा सा भाग हटा देते हैं काटकर। उसके बाद हम इस तरीके के चाकू से इसको छील लेते हैं, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। कोफ्ते करी बनाने के लिए लौकी बहुत बड़े साइज़ की नहीं लेनी चाहिए, जिसमें थोड़े से बीज हो जाते हैं वह लौकी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इस तरीके की छोटी लौकी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें बीज बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हमने लौकी को छील लिया है, अब हम इसको धो लेते हैं। धोने के बाद हम इसको काट लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है कद्दूकस। इसमें दो तरीके के छेद होते हैं, एक थोड़े से बारीक वाले होते हैं और एक मोटे होते हैं। तो हम बारीक वाले साइड से लौकी को घिस लेते हैं। इस वाले साइड में लौकी बहुत ही बारीक लच्छेदार निकलती है। मोटे लच्छे वाली लौकी रायते के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन कोफ्ते के लिए सही नहीं रहती है। तो हमने लौकी को घिस लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो अभी हम इस लौकी का पानी निकाल देते हैं। हमने एक कपड़ा लिया है कॉटन का, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं अपने किचन में जो भी इस्तेमाल करते हैं। कद्दूकस किया हुआ लौकी हम कपड़े के ऊपर रख देते हैं। कपड़े में जूस बहुत आसानी से निकलता है, इसे आप हाथों से भी दबाकर निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कपड़े में बहुत अच्छे से जूस निकलता है। इस तरह से लौकी सूखी हो जाती है, गीली नहीं रहती है। तो सारा जूस हम लौकी का निकाल लेंगे। इस जूस को हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम देख लेते हैं दूसरी तैयारी। तीन हरी मिर्च, दो टमाटर, दो प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक। अब हम थोड़े से खड़े मसाले भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच राई और एक चम्मच जीरा, दो चम्मच हमने चना दाल लिया है। अब हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम सूखे वाले मसाले डाल देते हैं, जीरा, राई, मेथी दाना और चना दाल। यह सभी चटकने लगे हैं तो इसमें डाल देते हैं लहसुन और अदरक को। अदरक लहसुन को डाल दिया है, अब इसमें कटे हुए प्याज को भी डाल देते हैं। इस मसाले की हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। तीन हरी मिर्च, इसको हम भून लेते हैं थोड़ा सा। प्याज को हमने थोड़ा सा मोटा ही रखा था, तो इसको हम इस तरह से 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए टमाटर और सभी चीज़ों को साथ में भून लेते हैं। तेज आंच पर टमाटर और प्याज को इस तरह से 1 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। अभी टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ने लगा है, तो अब हम इसको ढककर पका लेते हैं ताकि सभी चीज़ें जल्दी से पक जाएं। ढक्कन लगाने से पहले हम आंच को लो कर देते हैं ताकि यह नीचे से जले नहीं। तो अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं और धीमी आंच पर यह पकता रहेगा। इधर हम लौकी को भी देख लेते हैं, ज़्यादा देर लौकी रखने से लौकी काली पड़ सकती है, तो अब हम लौकी को भी तैयार कर लेते हैं। लौकी का जूस अलग कर दिया था तो यह थोड़ी सूखी सूखी हो गई है, इसका जूस अलग हो गया है तो यह गीली बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा बेसन। हमने 100 ग्राम बेसन लिया है, लेकिन अभी हम इसमें पूरा बेसन नहीं डालेंगे, पहले थोड़ी मात्रा में डालेंगे। अगर कम लगेगा तो हम बाद में फिर से डालेंगे। लौकी के कोफ्ते जब भी बनाएं तो इकट्ठे बेसन की मात्रा कभी भी ज़्यादा ना डालें। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर देते हैं। लौकी निचोड़ने के बाद भी थोड़ी सी गीली रहती है, इसलिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लौकी कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बनते हैं जब हम इसमें बेसन की मात्रा कम रखते हैं।
लौकी को हमने मिक्स कर लिया है, इसमें दोबारा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लौकी में हमें बेसन की मात्रा उतनी ही डालनी है जितने से इस तरीके से अच्छे से लड्डू बंध सके। बेसन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तभी लौकी कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते हैं। लौकी के यह कोफ्ते तेल में ज़्यादा फूलते नहीं हैं क्योंकि हम इसमें डालते हैं सूखा बेसन। सूखा बेसन डालने के बाद लौकी को हम ज़्यादा फेंटते नहीं हैं क्योंकि इसमें पानी छूटने लगता है, इसी वजह से लौकी कोफ्ते ज़्यादा फूलते नहीं हैं। कम बेसन जब हम डालते हैं लौकी में, उसके बाद इसके गोल गोल कोफ्ते बनाते हैं, तेल में फ्राई करते हैं, तो यह बहुत अच्छे से फूलते हैं, अंदर से भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट फूले फूले से कोफ्ते जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो ग्रेवी को भी बहुत अच्छे से सोखते हैं, जिससे यह खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हम एक एक बॉल को इसमें डाल देंगे। कोफ्ते आपस में ज़्यादा चिपके नहीं, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर में डालें एक एक करके इस तरह से। एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। आंच को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे ताकि यह अंदर बाहर दोनों तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाएं। इन्हें हमें पकौड़ियों की तरह करारा नहीं तलना है, हम इनकी सब्जी बना रहे हैं, तो इस तरह से जब इनका कलर हो जाएगा गोल्डन सुनहरा तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें पकौड़ियों की तरह कुरकुरा नहीं तलना है, अंदर से यह थोड़े से गीले ही रहते हैं। तो हमने सारे कोफ्ते तल कर निकाल लिए हैं। कोफ्ते ऊपर से थोड़ा सा कुरकुरे लग रहे हैं, अंदर से बहुत ही मुलायम हैं। तो अब हम इधर प्याज और टमाटर को भी चेक कर लेते हैं। टमाटर और प्याज पक चुका है तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल कर पंखे के नीचे ठंडा कर लेते हैं ताकि टमाटर और प्याज जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि हम इसको मिक्सर जार में डालकर इस तरह से पीसने वाले हैं, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 यह कोफ्ते, साथ में इसके पीस लेते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का। तो हमने 3 कोफ्ते लिए हैं और इस तरह से तोड़कर इसमें डाल देते हैं। सभी चीज़ों को पीस कर इसका एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। यदि पीसने में यह ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें 1/2 कप पानी डाल सकते हैं। हमने फिर से वही कढ़ाई ली है, इसमें हमने टमाटर प्याज को भुना था जिसका तेल इसमें अभी थोड़ा सा नीचे पड़ा हुआ है, तो हम इसी में डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच और तेल। अभी तेल गरम हो रहा है तब तक हम सब्जी का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। यह घर का बना हुआ है इसलिए बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यह तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसे खाने में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। मसाले को घोलकर इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। इधर तेल भी गर्म हो गया है तो हम मसाले का घुला हुआ पेस्ट डाल देते हैं तेल में। आंच को लो कर देंगे क्योंकि मसाले के छींटे ऊपर आने लगते हैं तो आप जल भी सकते हैं। सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए मसाले को हमें अच्छे से भूनना होता है, तो आंच को हम तेज़ कर देंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। इस तरह से भूनते हुए मसाले से तेल अलग होने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से। अब हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ प्याज टमाटर का पेस्ट। तो इस तरह से हम पेस्ट को डालते हुए चला देंगे ताकि यह नीचे से चिपके नहीं। फिर से हम डाल देते हैं पेस्ट को, 1 मिनट चलाते हुए इस तरह से हम मसाले को भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। हमने जिस जार में टमाटर प्याज पीसा था इसमें बहुत सारा मसाला लगा हुआ था, तो इसको भी हम साफ़ करके इसी में डाल देते हैं। लौकी का बचा हुआ पानी भी हम इसमें डाल देते हैं, इस तरह से हमें अलग से पानी नहीं डालना पड़ता है। ग्रेवी अभी देखने में ज़्यादा पतली लग रही है क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है। पहले से ग्रेवी को पतला रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाहिए। इसमें हम जब डालते हैं लौकी कोफ्ता तो वह थोड़ा सा पानी सोख लेते हैं, ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी होती है तो कोफ्ते अच्छे से सोख नहीं कर पाते हैं, तो ग्रेवी को पहले से हमें पतला रखना है। ग्रेवी में जब अच्छे से उबाल आने लगता है इस तरह से, तब हम इसमें डालते हैं लौकी कोफ्ता। ग्रेवी जब उबलने लगती है तभी इसमें डालें कोफ्ते।
अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। हमने नमक का इस्तेमाल पहले भी किया है तो इस बार हमें नमक की मात्रा कम ही रखनी है। नमक डालने के बाद फिर से हम इसको चला देते हैं। अभी आंच तेज है इसकी तो हम आंच को लो कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट हम ढककर पकाएंगे, उसके बाद इसको चेक करते हैं। 3 मिनट हो चुका है तो हम सब्जी का ढक्कन हटाकर इसको चेक कर लेते हैं। ग्रेवी पकते हुए इसका पानी भी कम हो गया है। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आता है, इसको ज़रूर डालें। इसमें इसको हम मिक्स कर देते हैं। लौकी कोफ्ता लगभग हमारा बन चुका है लेकिन इसको अभी थोड़ा सा हम और टेस्टी बनाएंगे। लौकी कोफ्ता थोड़ा सा खाने में मीठा लगता है, जिसके लिए आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसमें डाल सकते हैं 1 कटोरी दही। दही डालने से ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम दही डालने के बाद इसको इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको चलाते रहेंगे ताकि कोफ्ते टूटे नहीं और ग्रेवी में दही अच्छे से मिक्स हो जाए। दही डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं और ग्रेवी में दही अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट हम दही डालने के बाद ग्रेवी के साथ इस तरह से पका लेते हैं इसको। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। इस तरीके से बनी हुई कोफ्ता करी देखने में भी सुंदर लगती है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होती है। आंच को बंद कर देते हैं और सब्जी को हम 1 कटोरी में निकाल कर दिखाते हैं आपको। इसकी ग्रेवी आप अपनी पसंद के अनुसार पतली या गाढ़ी रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। हमारी आज की कोफ्ता करी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा और डाल देते हैं बारीक हरा धनिया पत्ती। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आज की कोफ्ता करी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसे आज गरम गरम रोटियों के साथ सर्व कर रही हूँ, साथ में मैंने चावल भी बनाया है। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की लौकी कोफ्ता रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और इसी तरह की ढेर सारी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अनमोल पाक कला। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।